बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम तुफैल हुसैन शाह है। मैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर के शहर राजौरी में पैदा हुआ था। मेरी जो तारीख़ पैदाइश लिखी है वो 1 जनवरी 1942 है। और फिर हम महाजिर होकर पाकिस्तान आए 1948 में। वहाँ फिर मैंने तालीम भी हासिल की और मैं रहा। फिर जेलम से मैं 1977 में 1977 के एंड में यहाँ यूके आया। पहली हिजरत तो हमने की जब इंडियन फोर्सेस ने कश्मीर पर कब्ज़ा किया। तो आप मालूम है कि 3/4 कश्मीर का हिस्सा जो है वो हिंदुस्तानी फ़ौजों ने नाजायज़ कब्ज़े में किया हुआ है। तो उस वक्त फिर जब वो हमला करके फ़ौजें आई तो हमने अपनी आँखों से देखे उनके जहाज़ भी, और मेरी उम्र उस वक्त कोई 10-11 बरस होगी, तो उनके जहाज़ भी, उनकी फ़ौजें भी, उनके टैंक भी हमने अपनी ज़मीनों में देखे। और फिर हम वहाँ से निकले, महाजिर हुए, फिर आज़ाद कश्मीर के इलाके में, फिर पाकिस्तान के इलाके में, यहाँ तक कि हम अटक, ज़िला अटक में हम गए। वहाँ आर्मी बैरकों में हमें रखा गया और मैंने पहली जमात वहाँ दरख्तों के नीचे, कोई इमारत नहीं थी, शुरू की और पढ़ी। तो वहीं मेरी वालदा की कब्र भी वहीं है, वहीं वो फौत हुई जब मैं उस उम्र का। तो इस तरह से ये अरसा जो है हमने फिर एक जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह, कोई सेटलमेंट नहीं थी। फिर मेरे वालिद 1950 में या 51 में वो वापस चले गए, सारा ख़ानदान वापस चला गया। तो हम लोग फिर मदरसों में, मैं और मेरा एक भाई, दीनी मदरसों में हमने तालीम हासिल की और फिर स्कूल में भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर मैंने सर्विस की इस्लामिया हाई स्कूल जेहलम में, और उस दौरान मैंने सियासी काम भी किए। और उस वक्त मैं जमात इस्लामी पाकिस्तान में शामिल हो चुका था, तो वहाँ मैंने खिदमत खल्क का काम किया अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े अच्छे पैमाने पर जेलम शहर में। ये 1974 का था ज़माना, जब के बहुत सारे ये जो महाजरीन आए थे बांग्लादेश के लोग उसके जंग के बाद, तो उनकी सेटलमेंट का था मसला। और तो काफ़ी काम अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया। फिर 1977 में एक इश्तिहार मैंने पढ़ा, एशिया एक रसाला, उसमें कि यहाँ यूके इस्लामिक मिशन एक तंजीम है और ये जमात इस्लामी के फिक्र के लोग हैं जो यहाँ आए थे, और उन्होंने 1962 में यूके इस्लामिक मिशन के नाम से एक तंजीम खड़ी की थी। तो उनका इश्तिहार था कि उन्हें एक इमाम और एक एक्टिविस्ट की ज़रूरत है। तो मैंने फिर इंटरव्यू दिया यहाँ के जो सदर थे, तो विद इन अ फ्यू मंथ्स फिर मुझे उन्होंने स्पॉन्सर किया। और दिसंबर के आखिरी हफ्ते में 1977 में मैं यहाँ आया और मुझे उन्होंने ग्लासगो भेज दिया। यहाँ एक छोटे से मकान में एक मस्जिद शुरू की थी मिशन ने, ये 27 आर्लिंगटन स्ट्रीट। ख्याल ये था कि चूँकि मैं वहाँ एक बिज़नेस कर रहा था, तो कोई इस तरह पक्के इरादे से नहीं आया था। मेरा ख्याल ये था कि देखते हैं, तंजीम को भी देखते हैं, कुछ सैर करेंगे और हो सकता है कि 2-4 महीनों के बाद वापस चले जाएँ। अब ये कि कुदरत का तो अपना निज़ाम है और सिलसिला है। तो यहाँ फिर जब काम शुरू हुआ तो फिर उस काम से दिलचस्पी हो गई कि ये तो करने का काम है, यहाँ मुसलमान ऑलरेडी मौजूद हैं और उनको सेटल करने का और मुस्लिम कम्युनिटी की खिदमत का एक मौका है, इसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो फिर इन ख्यालात के साथ वो जो ख्याल था कि भाई वापस जाना है, और वो सेकेंडरी हो गया और फिर यहाँ का काम जो है उसको हमने अवलियत दी।
जी हाँ, जब मैं आया था तो उस वक्त जो यूके इस्लाम मिशन का सेंटर था वो 27 आर्लिंगटन स्ट्रीट, 5-7 कमरों के एक बिल्डिंग है जिसका बेसमेंट भी है। और तो हर जुमे पर हम ये करते थे कि कुर्सियाँ एक तरफ करें और वहाँ कुछ चादरें दरियाँ बिछाएं और वहाँ नमाज, पंचगाना नमाज भी हो। फिर 79 में ये जो मौजूदा है 19 कैरिंगटन स्ट्रीट, ये बिल्डिंग सामने आई, तो ये उस वक्त 16,500 पाउंड में हमें मिली थी और फिर इसको हमने तैयार करके शुरू किया। जब ये मार्केट में जगह आई तो इत्तेफाक ये था कि मैं ब्रांच का नाजिम था, प्रेसिडेंट था, तो मैंने उसी शाम को, मुझे एक भाई ने जो अब अल्लाह के पास जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनको अजर दे, अब्दुल्ला भाई, उन्होंने फ़ोन किया कि हमारे करीब में ये जगह फॉर सेल है तो इसको करना चाहिए कुछ। तो मैंने उसी शाम को मीटिंग बुलाई अपने साथियों की, कुछ महल्ले वालों की, तो मैंने कहा भाई ये इस तरह से पता चला है और ये जगह 15-20 हज़ार की हमें मिलेगी। तो उस वक्त यानी पाउंड की बड़ी कीमत थी, तो मैंने देखा कि लोगों के अंदर बड़ा जोश और जज्बा है। वहीं मुझे याद पड़ता है कोई 10,000 पाउंड जमा हो गए, एक साहब ने 1,000 पाउंड, बल्कि दो आदमियों ने मुकाबला किया, एक ने कहा जी ये जितने देगा मैं दुगने दूंगा इसे। तो इस तरह से 10,000 पाउंड मैंने एक सिटिंग में, और फिर मैं निकला। मुझे याद है मैं सबसे पहले चौधरी तुफैल शाहीन साहब के वेयर हाउस में गया, तो मैंने चौधरी साहब से कहा कि ये इस तरह से जगह ले रहे हैं। उन्होंने फौरी तौर पर 1,000 पाउंड मुझे दिया, और मैं समझता हूँ कि उस वक्त 1,000 पाउंड बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो बहरहाल वो जगह हमने ले ली, और सिटी काउंसिल में भी हमें कोई यानी कोई मुश्किल पेश नहीं आई, ये लोग कोऑपरेटिव थे। और ये जगह हमें यानी ये था चर्च साथ में, जो ओल्ड पीपल है, ओल्ड पीपल सेंटर है, ये वो चर्च गिरा के बना हुआ है, और ये चर्च के साथ हाल था एक। फिर ये जब हमने ख़रीदा तो ये बॉयज़ ब्रिगेड के नाम से चल रहा था। तो जो इसके ओनर थे शायद वो चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, मुझे अब याद पड़ता है कि वो थे, तो उन्होंने कहा हम रिलीजियस पर्पज़ के लिए देंगे। और मुझे पता है कि किसी कैश एंड कैरी वाले का हमसे ज़्यादा ऑफर थी, वो 22,000 या सब ये मुझे बताया था उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम रिलीजियस पर्पज़ के लिए देंगे, तो उन्होंने ये हमें दी। और फिर सिटी काउंसिल से भी कोऑपरेशन मिला, हमें कोई दिक्कत नहीं हुई और हमने यह सिलसिला शुरू कर दिया अपना। तो अब सूरत हाल ये है कि वो काफ़ी दो हाल हैं उसके, ऊपर नीचे कुछ 600-700 लोग उसमें नमाज पढ़ते हैं, तो वहाँ जुमे की हम दो जमातें कराते हैं। जबकि शुरू में जब मैं था तो 27 आर्लिंगटन स्ट्रीट में थोड़ी सी 50-60 लोग नमाज पढ़ते थे, तो अब ये यहाँ हम दो जुमे की जमातें करते हैं। जो सेंट्रल मास्क है हमारी ये अपने चौधरी तुफैल शाहीन साहब का एक वेयर हाउस था, तो वो इन्होंने जुमे के लिए दे रखा था, बड़ी जगह थी, तो वहाँ लोग लेकिन 200-400 लोग वहाँ जुमे की नमाज पढ़ते थे। फिर ये 80s में, अर्ली 80s में इन्होंने मस्जिद शुरू की, और ये 85 में, 84 या 85 में ये कंप्लीट हो गई थी माशाल्लाह। तो लेकिन उस वक्त तादाद जो है वो कम थी, अब चूंकि वक्त के साथ साथ आबादी भी बढ़ गई और कुछ नव मुस्लिम भी हमारे साथ न्यू टू इस्लाम वो भी आए और शामिल हुए, तो अब बड़ी मस्जिद की भी सूरत हाल ही है कि वहाँ भी ईद की दो जमातें होती हैं, हमारे यहाँ ईद की 5 जमातें होती हैं, और नौजवानों का, और जैसे यानी इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा है मीडिया में और इधर उधर कुछ लोग ऐसे हैं जो करते हैं, ऐसे ही एक एक अवेयरनेस भी है इस्लाम के बारे में, यानी मुसलमानों के अंदर भी और जो हमारे गैर मुस्लिम लोग हैं, भाई हैं, उनके अंदर भी बड़ी तादाद में कुरान लोग लेते हैं, पढ़ते हैं, और इस तरह से यानी अब ज़रूरत है, हमें ज़रूरत महसूस हो रही है कि हमें एक बड़ी जगह की ज़रूरत होगी। दरअसल यूके इस्लामिक मिशन एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, पूरे बरतानिया में हर बड़े शहर में हमारे सेंटर हैं और मसाजिद हैं, तो इस वक्त कोई 40
मसाजिद हैं और तकरीबन 40 शहरों में लगभग हमारा काम है और ऑर्गेनाइजेशन है। और फिर 90 में मुझे पहली दफ़ा पूरे बरतानिया में जो हमारी तंजीम है यूके इस्लामेशन उसका सदर जो है वो इलेक्ट किया गया। फिर 4 साल तक कंटिन्यू में रहा। आने वाली जनरेशन के लिए हमारा पैगाम ये है कि बहैसियत मुसलमान के उनका पहला फ़र्ज़ ये है कि वो अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल के साथ अपने आप को मुंसलिक करें, कुरान को न सिर्फ नाजरा पढ़ें बल्कि समझकर पढ़ें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को। तो यही वो रोशनी है जो हमें सही और फिर उसको फैलाने और उसकी नशर व इशाअत के लिए मस्जिदें हैं, इनके साथ अटैच हों, मस्जिदों के साथ आएँ और अपनी पर्सनैलिटी पर्सनल जो 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 रिफॉर्मेशन है उसकी तरफ तवज्जो दें और ये महसूस करें कि इस्लाम का जो पैगाम है वो अमन का पैगाम है और वो अदल का पैगाम है। इन अल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान, अल्लाह अदल का हुक्म देता है और एहसान का, अच्छाई का, अच्छे ताल्लुकात का, लोगों के सामने बेहतर अच्छे तरीके से पेश आने का। और ये बड़ी बात है, ये जो है ना जी कि यू हैव टू लुक आफ्टर द अदर्स एंड आपको दूसरों का ख्याल रखना चाहिए। ये दूसरों का ख्याल रखना और बात के ऊपर शुक्रिया अदा करना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाया ना कि जो अल्लाह पर ईमान लगता है उसको चाहिए कि वो अपने मेहमान की इज्जत करे और वो लोगों के साथ अच्छा सलूक करे और बेहतर तरीके से लोग। तो ये एक रोशनी है हमारे पास जिसको लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है और ये तभी कर सकते हैं कि हम बुनियादी जो अखलाकी उसूल हैं उनको अपनाएं, उनको इख्तियार करें और इज्तमाईयत पैदा करें अपने अंदर। हमारे अंदर एक मर्ज़ ये भी है कि इंडिविजुअलिज्म ज़्यादा है और इज्तमाईयत जो है वो कम है। तो इज्तमाईयत ज़्यादा होने, इज्तमाई फ़ायदा जो है उसकी तरफ ज़्यादा, अब ज़ाती नुकसान भी हो जाए तो कोई बात नहीं, उसको बर्दाश्त कर लें। देखिए हमारे पास तो यानी इंसानियत का सबसे बेहतरीन नमूना अल्लाह का पैगंबर है। कुरान ने खुद कहा लकद कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, तुम्हारे अंदर अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। तो इस तरह अल्लाह मदद करता है अगर कैरेक्टर और हक के लिए आप खड़े हों। तो आपने जो सवाल किया है, इस माशरे के अंदर ये मुसलमानों पर फ़र्ज़ भी है और ज़रूरी है कि वो हक और सदाकत के साथ नमूना पेश करें और देखें इन लोगों का हक भी बनता है हमारे ऊपर। हम इस सोसाइटी के अंदर कारोबार करते हैं, इस सोसाइटी के अंदर हम आसानी से रह रहे हैं, अमन नसीब है हमें, खुशहाली नसीब है, तो इन लोगों का फिर हक भी बनता है कि हम हक का पैगाम इन तक पहुंचाएं। और वो कैरेक्टर के ज़रिया हो सकता है, अच्छा किरदार, अच्छा सलूक इनके साथ करें, बेहतरीन तरीके से पेश आएँ। अगर कारोबार कर रहे हैं इनके साथ तो दयानतदारी अमानतदारी से करें, तो वही आपका जो कस्टमर और गाहक है वो आपसे मुतासर होगा कि कैरेक्टर ही वो चीज़ है जो अट्रैक्ट करती है और उसी के ज़रिए से आप दावत का बड़ा काम कर सकते हैं। तो इसमें बड़ा काम हो रहा है लेकिन इसमें मज़ीद ज़रूरत है कि हम यानी मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के ज़रिए से इस काम को आगे बढ़ाएं, लोगों की एजुकेशन का और एडल्ट एजुकेशन, चिल्ड्रन एजुकेशन और इसी तरह से कम्युनिटी एजुकेशन, उसमें काफ़ी यानी काम करने की मज़ीद ज़रूरत है। फिर वो दिन और आज का दिन हम ग्लासगो में हैं और यहीं बस खिदमत कर रहे हैं कम्युनिटी की।